दोस्तों भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे T20 विश्व कप के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। पहले ही मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेटों से मात दी थी। इस मैच में 18 साल की ओपनर बल्लेबाज श्वेता सहरावत ने बल्ले से तूफानी पारी खेली और जीत में अहम योगदान दिया। श्वेता ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 57 गेंदों में 20 चौकों की मदद से 92 रन बनाए। तो दोस्तों ऐसे में आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन है श्वेता सहरावत, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। गुरु आपको बता दे कि श्वेता सहरावत का जन्म 26 फरवरी 2004 को महिपालपुर गांव में हुआ था, जो दिल्ली में स्थित है। बचपन से ही उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वह बचपन में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करती थी और उनके पिता भी उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे। अपनी बेटी के क्रिकेट में दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने श्वेता को क्रिकेट अकेडमी में नामांकन कराया। गुरु श्वेता वर्तमान में दिल्ली महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। वह 2023 ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए भारत की महिला नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम की उपकप्तान भी थी। दोस्तों सहरावत ने पहली बार अक्टूबर 2018 में दिल्ली महिला अंडर 19 टीम के लिए खेला। उन्होंने मार्च 2021 में दिल्ली की महिलाओं के लिए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया। 17 मार्च को उन्होंने अपना पहला लिस्ट ए शतक हासिल किया, जिसमें उनका स्कोर था मेघालय महिलाओं के खिलाफ 118 रन। मई 2021 में उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण को सूचित किया कि वह अपनी बोर्ड परीक्षा के कारण महिला अंडर 19 टीम में शामिल नहीं होंगी। बाद में लक्ष्मण द्वारा कम से कम कुछ दिन उपस्थित रहने के लिए कहने के बाद उन्होंने टीम में शामिल होने का फैसला किया। कैंप के दूसरे मैच में उन्होंने शतक लगाया था, जिसके चलते उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी अंडर 19 जोनल कंपटीशन में सी टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने प्रतियोगिता में 6 मैचों में 2 शतक बनाए। सहरावत ने अप्रैल 2022 में महिला 2020 की शुरुआत की। उन्होंने अक्टूबर 2022 में मणिपुर के खिलाफ 43 गेंदों में 60 रन बनाकर अपना पहला महिला T20 अर्धशतक बनाया। नवंबर 2022 में उन्होंने वुमेन्स अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में खिताब के लिए भारत बी की टीम का नेतृत्व किया। वह 40.75 की औसत से 163 रन बनाकर टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर भी रही। उसी महीने उन्होंने महिला अंडर 19 चतुष्कोणीय श्रृंखला में खिताब के लिए भारत ए की टीम की कप्तानी भी की, जिसमें भारत बी, श्रीलंका अंडर 19 और वेस्ट इंडीज अंडर 19 की टीम भी शामिल थी। वह 164 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन और 151.85 की स्ट्राइक रेट से चतुष्कोणीय श्रृंखला में सबसे आगे थी। फिर उन्हें न्यूजीलैंड वुमेन्स अंडर 19 टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत की अंडर 19 टीम के कप्तानी के लिए चुना गया। उन्होंने सफलतापूर्वक टीम को 5-0 से श्रृंखला की जीत दिलाई। दोस्तों दिसंबर 2022 में सहरावत को 2023 ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के उपकप्तान के रूप में चुना गया था। दोस्तों टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 57 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 20 चौके शामिल थे। इसने भारत को 21 गेंद शेष रहते जीत दिलाई। सहरावत को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। दोस्तों वह ICC वुमेन्स अंडर 19 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बनी। पारी के दौरान कप्तान शेफाली वर्मा ने दूसरे छोर से बल्लेबाजी करते हुए उन्हें नियमित सलाह दी। ग्रुप मैच के खत्म हो जाने के बाद सहरावत ने इस पारी को अपनी सर्वश्रेष्ठ T20 पारी के रूप में बताया। सहरावत को दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति ध्यानी द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था। ध्यानी ने सहरावत को निचले हाथ के खिलाड़ी के रूप में वर्णित किया, जो अपने पैरों का उपयोग करने और स्पिन खेलने में अच्छा है। मिगनान डुप्रीज ने कहा कि उनके खेलने की शैली हरमनप्रीत कौर के समान है। तो दोस्तों श्वेता सहरावत की स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही अधिक वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।